हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सबके संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। क्या मार दे ली राम के हैं आप? होश में आई? चेतना में आई? राम बोली के हैं आप? उठी जप करे वाला महात्मा आप के हैं? कृपया आंख खोली और आप जैसन राम भक्त पर जेबान चलावलस ऐसन नीच पापी के या दंड दी या क्षमा करी। बाकी एक बार आंख खोली राम आपके श्री राम के सौगंध बा। राम यदि हम मन वचन और कर्म से खाली श्री राम के ही चरण कमल से प्रेम कैले हैं ता आप स्वस्थ होके उठ बैठे। उठी आपके श्री राम के सौगंध सुनत वचन उठ बैठ कपीसा उठ बैठ कपीसा कही जय जयति कोसला जीसा कही जय जयति कोसला लीन कपी उरलाय पुलकित तनु लोचन सजल प्रीति न हृदय समाय सुमिर राम रघु महात्मा पूरा जांच के लिए बिना आप पर बाण चला दे ली एकरा खातिर भरत आपसे क्षमा याचना करता। भरत? हाँ दशरथ पुत्र भरत आप तो मूर्छा में भी राम नाम के जप करत रही। हे परम भक्त महात्मा
आप अपन परिचय देवे के कृपा करी। स्वामी हमार परिचय के काम होल, हम तो श्री राम के एगो सेवक हैं हनुमान, परिचय तो आपके पाके हम धन्य हो गए। आपके दर्शन से हमार जीवन सफल हो गए। हमार स्वामी श्री राम दिन रात जौन भरत के गुण गावत ना थके, वह देवता भरत के अपन आँख से देख लेने, हमार आँख धन्य हो गई। प्रभु कहा का कहनी आप, श्री राम हमके याद करे ले का ही सांच बा, भैया हमके भी याद करे ले कबो कबो। वो तब सूत जाकर उठत बैठत आपके एह तरह याद करे ले, जैसे कोनो भक्त भगवान के याद करे ले। आपके प्रति उनका स्नेह देख के तो कबो कबो दूसर भक्त ईर्ष्या करे लगे लन। हे महात्मा, ई कह के आप हमार डूबत प्राण के फिर से उबार दे ले हैं। श्री राम वीरा के धूप से जे खेती सुख मिल रहे ओकरा श्री राम के स्नेह जल से फिर से हरा भरा कर दे ले हैं। आप हमार भैया के समाचार हमरा तक पहुंचौली, ए उपकार खातिर हम आपके हमेशा ऋणी रहब। कृपा करके हमके और भी कुछ बताएं, हमार भैया यह समय कहाँ है, वो कैसे है, भाभी कैसन है, और वो भाग्यशाली लक्ष्मण जेकरा भैया के सेवा करे के अवसर मिलल बा, वो हमार छोट भाई कैसन बा। हाँ, वो सब सब कुशल से तबारन ना, बोली सब कुशल से तबारन ना। कहीं कहीं ना, सब सब कुशल से तबारन ना, सब आनंद से तबारन ना, कहीं कुछ बोली। कुशल राम सिया लखन की पूछत भरत कुमार, कहा कहे कहा ना कहे हनुमत करत विचार। राम कथा संक्षिप्त भरत सौ कपि कहि डारी, सुनकर भय अधीर भरत से धीरज धारी। बिलख बिलख प्रभु व्यथा भरत सौ कपि कहि डारी। महाराज इस समय इस सब बात के नाहा, आप जैसन वीर पुरुष के धीरज रखे के चाहिए। अब हमके आज्ञा दी, हमके रातों रात वहां पहुंचे के बाद कहीं सूरज देव उदय हो गहिलन तब बड़ा अनर्थ हो जाई। ना हनुमान, सूरज में इतना साहस निखे कि वो लक्ष्मण के प्राण के संकट में डाल सके। हम एक ही वाण में उनका रथ तोड़ के उनकर गति के रोक देव। हनुमान तू वहां धैर्य और विश्वास के संगे जा, तुहार वहां जल्दी से पहुंचल बहुत जरूरी बा। ऐसे हम शक्ति बाण के संधान करत हैं, तू वो औषध पर्वत के संगे हमारे पर्वत पर बैठ जा, तो के जल्दी से वहां तक ले जाई। ना महाराज भरत, आपके इतना परिश्रम करे की आवश्यकता नहीं है। प्रभु श्री राम के हमरा पर ऐसा कृपा हो कि वहां के नाम लेते ही हमार सगरे काम सिद्ध हो जाला। जय श्री राम। जय श्री राम।
दुख संताप सजल नयन विभल भरत करते पश्चाताप। छिन छिजे रे कर विलाप हरि मनुज सम कहत बंधु से बैन मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल मत भैया को रुलारे बोल कछु बोल भैया भैया कह के भैया भैया कह के रस प्राणों में घोल मेरे लखन दुलारे बोल कछु पर और न होगा मुझ जैसा हतभागा मेरे रहते वान शक्ति का तेरे तन में लगा जा नहीं सकता तोड़ कैसे मुझसे नेह का धागा मैं भी अपने प्राण तजूंगा आज जो तू नहीं जागा अखियों के तारे लल्ला अखियां तू खोल मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल मत भैया को रुलारे बोल कछु बोल सुत क्यों अब तक नहीं आए बुझता जाए आस का दीपक मनवा धीर गवाए सूर्य निकल कर सूर्य वंश का सूर्य डुबो ना जाए बिना बुलाए बोलने वाला बोले नहीं बुलाए चुप चुप रह के चुप चुप रह गए मेरा धीरज न तोल मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल रे मत भैया को रुलारे बोल कछु बोल प्राण सूर्योदय
जैसे पूर्व ही आ पहुंचे हनुमान। वैद्यराज वैद्यराज हम बूटी ले आईली। अरे महावीर तू तो पूरा पर्वत उठा ले आईला। का करती वैद्यराज हम ठहरनी अज्ञानी, आयुर्वेद के आचार तो है ना, ये जड़ी बूटी के पहचान कर लेती ऐसे पर्वत उठा ले आईली। आप अपने से पहचान कर ली ही ना हो संजीवनी के। चली वैद्यराज जी। का ये हो संजीवनी? हाँ ये हो संजीवनी। ठहरी उतावला मत होकी कपिराज, आरोग्य देवे वाली औषधि प्रकृति के वरदान होखेला, इनका श्रद्धा भाव से ग्रहण करे के चाहिए। जय भगवान धन्वंतरी। हे दिव्य औषधि, हे प्राण देव वाली माई संजीवनी, हम सुषेण वैद्य एगो परम वीर सूर्यवंशी राजकुमार के जीवन के भीख तो से मांगत हैं। हे मंगलकर्णी आपन गुण के प्रकट करी, आपन दिव्य प्रभाव से आरोग्य शास्त्र के आयुर्वेदिक सिद्धांत के सत्य सिद्ध करी। माई एगो धर्मरत मानव के कल्याण खातिर आपके पति की आवश्यकता बा, आपन पत्ती से हमार रोगी के आशीर्वाद प्रदान करें। मेघनाथ कहूं बाबू मायावी? अरे हमार धनुष और बाण कहां गए? कहां गए हमार धनुष और बाण? भैया यह तुम्हार धनुष और तू युद्ध भूमि में नहीं खा? भैया आप यहां? हम यहां कैसे पहुंच ली? धीरज रखा सौमित्र, बहुत बड़ा संकट आयल रहल। संकट? हाँ हमार भैया और रघुपुल पर आयल इस संकट के निवारण कैलन, संकट मोचन हनुमान। हनुमान अभी थोड़ी का काम और बाकी बा। आप आज्ञा करी वैद्यराज। दिव्य औषधि के ए पर्वत शिखर के जहाँ से उठा के ले आये, एकरा फिर से उहे प्रतिष्ठित कराई।
एकर का जरूरत बा वैद्यराज सुषेण? बहुत जरूरत बा, जरूरत ही ना, धर्म है। एकर आरोग्य गुण उहे प्रस्फुटित होई, जगत कल्याण और दुखी पीड़ित के काम आवे वाली प्राकृतिक संपदा केहू एगो के संपदा ना होखे। मानव कल्याण के आरोग्य निधि के मानव कल्याण खातिर उहे प्राकृतिक स्थान पर फूले फले दी, जहां से सबके प्राप्त हो सके। हनुमान जी आज्ञा। सूचना देके आप हमार प्राण बचा ली ली माई, हमार प्राण बचा ली ली। बेटी अब तो सब कुछ ठीक हो गए, अब काहे रो बतारू? आप न जाने ली माई, रघुवर के का दशा भइल होई, लक्ष्मण भैया के कुछ हो जात तो उनका बिना उहां खातिर एह संसार में जिए के कौनो अर्थ न रह जात। यह समझ के हमार हृदय बैठल जा रहल बा। सुब सुब सोचा सीते, सुब सुब सोचा। तोहार धर्म तोहार सतीत्व ही उ दोनों भाई के रक्षा करी, अंत में जीत उनकरे होई। तू एह बात पर पूरा भरोसा रखा बेटी। मंगल भवन अमंगल दशरथ अजीर बिहारी। सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन।